नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इलेक्ट्रिक व्हीकल एकमात्र ऑप्शन रह गया है आज के दौर में, जब पेट्रोल और डीजल के दाम इतनी ज्यादा बढ़ गए हैं, साथ ही साथ जिस हिसाब से पोल्यूशन फैल रहा है, ऐसे में हमको काफी ज्यादा जागरूक रहना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमको रुख करना चाहिए। सरकार भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट कर रहा है। हाल फिलहाल में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और 2023 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो दाम हैं वह पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल के बराबर करने की कोशिश में है, और हो सकता है कि 2023 तक यह सफल भी हो जाए। मैं आपको बता दूं, अगर हम तुलना करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस का पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल के साथ, तो यह खास तौर पे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, थोड़ा सा प्राइस का वेरिएशन हो जाता है। इसका मेन कारण इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाला लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी जिसका मैन्युफैक्चरिंग बाहर के देशों में होता है और यह बाहर से ट्रांसपोर्ट होके भारत में आता है, जिससे टैक्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और इसका प्राइस थोड़ा अप हो जाता है, और इस कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब जो पॉल्यूशन या फिर जो पेट्रोल के जो या फिर डीजल के प्राइस जो हाइक हो रहे हैं, ऐसे में आपके पास एक विकल्प है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो बहुत से लोग जो बाइक खरीद रहे हैं, खास तौर पे उनका जो सोच है बाइक या फिर स्कूटर में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ रुख करने के लिए सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं भारत में उपलब्ध 3 बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में बताऊँगा, जो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, जो कि है रिवोल्ट आरवी 400। मैं आपको बता दूं, इस बाइक का डीएन काफी ज्यादा बेहतरीन है। फ्रंट में आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट का सेटअप मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको एलईडी का हेडलाइट का सेटअप मिल जाएगा, और इसके जो टर्न इंडिकेटर हैं या फिर टेल लाइट हैं, सब कुछ फुली एलईडी मिल जाता है और काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। बात करें सस्पेंशन का, तो इसमें अप साइड फॉर्क सस्पेंशन फ्रंट में मिल जाएगा और रियर में आपको मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। इस बाइक का लुक्स काफी बेहतरीन लगता है और ये देखने में किसी भी एंगल से आपको ऐसा नहीं लगता है कि पेट्रोल बाइक से कम हो। मैं आपको बता दूं, इस बाइक में 3.2 किलोवाट का बैटरी मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर देता है। इसका रेंज आपको 150 किलोमीटर मिल जाएगा, साथ ही साथ जो टॉप स्पीड है 85 किलोमीटर प्रति घंटे का मिल जाता है। बात करें चार्जिंग टाइम का, तो 4.5 घंटे में आरवी 400 का बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। मैं आपको बता दूं, इसका कैरिंग कैपेसिटी 150 kg का है। 150 kg राइडर और पिलियन का वेट मिला के अगर 150 kg का है, तो ये काफ़ी आसानी से लोड को ले लेता है और जो इसका टॉप स्पीड है उसको अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इससे ज़्यादा का भी अगर लोड है तो ये लोड लेगा, लेकिन जो टॉप स्पीड और जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। बात करें इस बाइक के कर्व वेट का, तो मैं आपको बता दूं, यह बाइक 108 kg का है और ख़ास तौर पे यह हल्का इसलिए है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल है और हल्का होने की वजह से इसका जो रेंज है काफ़ी बढ़िया हो जाता है। बात करें इसके व्हील्स का, तो इसमें आपको 17 इंच के बहुत ही खूबसूरत अलॉय व्हील मिल जाते हैं, साथ ही साथ ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है, जो कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है और काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग है। इसमें आपको डिजिटल ऑडोमीटर मिल जाता है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसके टच स्क्रीन का है, साथ ही साथ GPS नेविगेशन इनबिल्ट मिल जाता है और मोबाइल कनेक्टिविटी ऐप भी मिल जाता है। बात करें वारंटी का, तो मैं आपको बता दूं, रिवोल्ट इस पे इसके बैटरी पे 1.5 लाख किलोमीटर या फिर 8 साल जो भी पहले आए उतने दिन का ये वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ रिवोल्ट 400 के मोटर पे आपको 5 साल का वारंटी मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं सबसे मेन पॉइंट की तरफ, जो कि है प्राइस। तो मैं आपको बता दूं, रिवोल्ट आरवी 400 का एक्सोरूम प्राइस 90,799 रुपया है, जो कि ऑन रोड आते आते 1,08,799 रुपया हो जाता है। यह बाइक आपके लिए काफी बेहतर विकल्प हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे बाइक की तरफ, जो कि है जॉय ई बाइक ई मॉन्स्टर। यह बाइक काफी नया बाइक है और यह लुक वाइज काफी जबरदस्त है। जैसा कि इसका नाम मॉन्स्टर है, उसी प्रकार से इसका डिजाइन एंगल कंपनी ने दिया है और काफी बेहतरीन लगता है। बहुत से लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आएगा डिजाइन वाइज।
मैं आपको बता दूं, ये मॉन्स्टर में आपको फ्रंट में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट का सेटअप मिल जाता है, साथ ही साथ एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है और रियर में आपको एलईडी टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है। सस्पेंशन वाइज भी यह गाड़ी काफी ज्यादा जबरदस्त है। बात करें इसके व्हील्स का तो आपको बता दूं, इसमें 14 इंच के थोड़े छोटे साइज के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अब बात करें इसकी बैटरी की तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2.8 किलोवाट का बैटरी मिल जाता है जो कि 30 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसका रेंज 95 किलोमीटर का है और बात करें टॉप स्पीड का तो इसका टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे का है। साथ ही साथ इसको फुल चार्ज करने के लिए 5.5 घंटे का वक्त लग जाता है। अब बढ़ते हैं सबसे मेन पॉइंट की तरफ जो कि है प्राइस। इसका ऑन रोड कीमत लगभग 1,56,000 रुपया है और हो सकता है फेम 2 सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी के बाद ये जरूर कम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे बाइक की तरफ जो कि है ओडिसी इवोकिस। नाम काफी ज्यादा अलग लग रहा है और उसी प्रकार से इस बाइक का डिजाइन भी काफी अलग है। मैं आपको बता दूं, अगर इस बाइक को आप पहली बार देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि आप यामाहा की R15 को देख रहे हैं। काफी जबरदस्त डिजाइन है इसका, जो डिजाइन है फुली स्पोर्टी डिजाइन दिया है। इसके फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल जाएगा जो कि एलईडी में है, साथ ही साथ वी शेप में आपको डे टाइम रनिंग लाइट का सेटअप मिल जाएगा और टर्न इंडिकेटर और टेल लाइट फुली एलईडी मिल जाता है। सस्पेंशन वाइज भी ये गाड़ी काफी ज्यादा जबरदस्त है। बात करें व्हील्स का तो इसमें आपको 17 इंच के काफी दमदार अलॉय व्हील मिल जाते हैं और ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, साथ ही साथ डुअल डिस्क ब्रेक भी आपको मिल जाता है। इस बाइक में भी आपको CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, जो कि काफी जबरदस्त ब्रेकिंग दे देता है। बात करें इसके बैटरी लाइफ की तो मैं आपको बता दूं, इसका बैटरी 4.3 किलोवाट का मिल जाता है जो कि काफी जबरदस्त पावर देता है और इसमें आपको 64 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। इसका रेंज आपको 140 किलोमीटर का मिल जाता है और टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे का मिल जाता है। चार्जिंग टाइम इसमें आपको फुल चार्ज करने के लिए लगभग 6 घंटे का वक्त लग जाता है। इसमें काफी जबरदस्त फीचर मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको एंटी थेफ्ट अलार्म का भी फीचर मिल जाता है और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है सेमी डिजिटल मिल जाता है, जिसमें एक तरफ आपको इसका स्पीडोमीटर मिल जाता है और एक तरफ इसमें डिजिटली आपको इसका रेंज वगैरह दिखाता है, ट्रिप मीटर दिखाता है, काफी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल जाता है। बात करें कैरिंग कैपेसिटी का तो मैं आपको बता दूं, 170 केजी का कैरिंग कैपेसिटी इस बाइक में है जो कि ठीक ठाक है। अब आते हैं कलर के ऊपर तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 5 कलर मिल जाते हैं, ब्लू, व्हाइट, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक कलर, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त लगते हैं। अब बात करें सबसे मेन पॉइंट की जो कि है प्राइस, तो मैं आपको बता दूं इस बाइक का कीमत 1,64,000 रुपया है। साथ ही साथ इस पे कंपनी 3 साल का वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। यह तीनों इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। आप अपने अनुसार इस तीनों बाइक को चेक कर सकते हैं और उसके बाद इन तीनों बाइक का टेस्ट राइड लेके आप इनको चुन सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।